ओम स्वामी जी। कहाँ से आई है बेटा? स्वामी जी मैं फरीदाबाद से आई हूँ। मेरा नाम प्रिया कुशवाहा है और मुझे नवंबर में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस डिटेक्ट हुआ था। इसी नवंबर 27 पॉजिटिव आया था मेरा। और लोग कहते नेगेटिव नहीं आता, ये छोरी खड़ी है तुम्हारे सामने। और कितने दिन हो गए बेटे यहाँ आए? सर मुझे आज 5वां दिन है यहाँ पे। नवंबर में डिटेक्ट होने के बाद एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे इतने हाई डोज के स्टेरॉइड्स दिए कि मेरे बॉडी में 1540 ml अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर के करीब पस बन गया। उस स्टेरॉइड की वजह से पस बन गया जी सर। फिर निकाला कैसे? उन्होंने फिर ओपन सर्जरी कर दी, पूरा पैर 2-3 जगह काट के सर छोड़ दिया, ऐसे ही कि अपने आप हील होगा। और पैर काट के छोड़ दिया, बोल इसमें से निकलता रहेगा। फिर जी उसके बाद मुझे वापस से मेरा L3, L4, L5 इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया था कि उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसमें पेन बना ही रहेगा। और उन्होंने बहुत हाई डोज की मेडिसिन प्लस पेन किलर दी है। उसको लेने के बाद भी मेरा स्वामी जी दर्द नहीं जाता था। तो यहाँ आने से पहले शुरू कर दिया था उसने घर पर? जी मैंने दिसंबर से ही मेडिसिन शुरू कर दी थी और यहाँ पे मैं जिस दिन आई हूँ उसके एक दिन पहले से मेडिसिन एक टैबलेट लेके आई थी मैं, और यहाँ आके छोड़ दिया है कम्प्लीटली। मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है और मुझे लग भी नहीं रहा है कि मेरे कमर में कभी दर्द भी था। अब झुक के दिखाना, क्या बात है। लो मैं झुक सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, मैं हर तरह के योगा सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ सब जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं डेली 15 सूर्य नमस्कार करती हूँ यहाँ पे। होले होले करना बेटा, जोरदार प्रिया के लिए अभिनंदन कर दो भाई। इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे ही हो जाएंगे, समय कम ज्यादा लग सकता है लेकिन हो जाएंगे। स्वामी जी यहाँ पे सारे लोग जितने आए हैं, मैं कहना चाहूंगी कि ये आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है यहाँ पे आना। आप जो भी प्रॉब्लम लेकर आए हैं, आपको जैसा भी बताया जा रहा है, आप लोग प्लीज फॉलो करें, आप लोग पक्का ठीक होके जाएंगे। मैं ठीक हो सकती हूँ तो हर कोई ठीक हो सकता है। बड़ी समस्या थी इस बेटे को, छोटी बेटी है लेकिन डॉक्टर के हिसाब से मेरी रीढ़ की हड्डी खराब हो चुकी है सर, और मैं चल नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती, ये सब डॉक्टर तो बोल रहा था उसके विपरीत देख रही है। तो ये बेटी छोटी होके भी सबको बोल रही है कि ये तुम्हारा जीवन का बेस्ट डिसीजन है, बेस्ट टाइम है, फॉलो करो जो गुरु कह रहे हो। आशीर्वाद बेटा। अनुपमा अनुपमा।